आईएमएफ ने हमें फारिग कर दिया अगर आईएमएफ डॉलर हमें दे दे अब बात तो ये है आईएमएफ ने इंडिया से रिक्वेस्ट की है बिल्कुल रिक्वेस्ट ही की है मतलब प्रॉपर लिखा है कि हम बैक करते हैं यानी कि कि बीक मांगते हैं जो सा है वो वीट की एक्सपोर्ट को ना रोके अगर इंडिया ने वीट की एक्सपोर्ट को रोका यानी गेहूं की गंदुम की एक्सपोर्ट को रोका तो दुनिया में इस हवाले से बुहरान आ सकता है गंदुम के हवाले से वीट के हवाले से कि अब हमने किए कितनी देर रखना है और किस किस्में गोई है अल्लाह ख्याल इकोनोमी तो का क्या होगा साथ तो बात ही नहीं करने आया हुई अभी में, में जहाँ पे भी पाकिस्तान के फा, फाइनेंस मिनिस्टर गए हुए थे तो वो टॉक्स फेल हो गई है आईएमएफ से हम हर साल या मतलब हम कर्जा लेते रहते हैं आईएमएफ से ठीक है और आईएमएफ इंडिया की रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई आप वीट की एक्सपोर्ट को ना रोकें अगर आप एक्सपोर्ट रोकेंगे तो पूरी दुनिया में वीट के हवाले से बुहरान आ जाएगा हम एग्रीकल्चर कंट्री होते हुए आईएमएफ से कर्जे मांग रहे हैं उनके तरले कर रहे हैं उनके नीचे लगे हैं, हैं और इंडिया के आईएमएफ एम तरले कर रहे हैं क्राइसिस को आ जाती है कुछ ये हो जाता है वो कोई ना कोई फंड फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी पड़ जाती है मैं तो बहुत बार कह चुकी हूँ मुझे तो बहुत पसंद है इनके जो फॉरेन मिनिस्टर है तो इंडिया को IMF जैसा एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रिक्वेस्ट कर रही है भारत ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है लेकिन अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष भारत आगे मांग रहा है जी हाँ आपने सही सुना आईएमएफ भारत के सामने मांग रहा है दावोस में विश्व आर्थिक मंच के मौके पर आईएमएफ प्रमुख क्रिस टालिना ने मंगलवार को भारत से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध पर पुनर्विचार करने की गुहार लगाई उन्होंने कहा कि मैं भारत से जल्द से जल्द इस पर पुनर्विचार करने की भीख मांगती हूं। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो हमेशा आईएमएफ से कर्ज के लिए हाथ फैलाता रहता है पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि संजोग देखो आईएमएफ भारत से भीख मांग रहा है और हम आईएमएफ के आगे दोनों हाथ फैलाए हुए खड़े हैं आपको यहां बता दें कि आईएमएफ की पाकिस्तान के साथ वार्ता फेल हो गई है और आईएमएफ पाकिस्तान को और कर्ज नहीं देने वाला आईएमएफ ने इंडिया से रिक्वेस्ट की है बिल्कुल रिक्वेस्ट ही की है मतलब प्रॉपर लिखा है कि हम बैक करते हैं यानी कि बीक मांगते हैं कि इंडिया जौन सा है वो वीट की एक्सपोर्ट को ना रोके अगर इंडिया ने वीट की एक्सपोर्ट को रोका यानी गेहूं की गंदुम की एक्सपोर्ट को रोका तो दुनिया में ए, ए, इस हवाले से बहरान आ सकता है गंदुम के हवाले से वीट के ए, हवाले से इंडिया जो कि हमारा हमसाया मुल्क है वो वीट की प्रोडक्शन के हवाले से इतना आगे निकल चुका है कि आई को रिक्वेस्ट करनी पड़ी है इंडिया से

बाकी जो गवर्नमेंट है ना इसकी इंडिया की वो उनको बहुत ज्यादा इक्विपमेंट दे रही है द्रैत के हवाले से इनको प्रमोट कर रही है किसानों को कर्जे दे रही है इस तरह से ना वो बड़ा है। मामला हैं जिस वजह से वो प्रमोट वहाँ हुई है किसान किसान बड़े मजबूत मजबूत हैं हैं लेकिन हमारी मीडिया पे तो ये बताया जाता है कि इंडिया 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 में में बहुत बहुत है है के हालात खराब हैं आप ये जो अगर बता रहे हैं कि वहां की गवर्नमेंट बड़ी सब्सिडीज देती है आपको कैसे पता चला मैं आपको वो एक चीज बताता हूँ ना कि वहाँ जब अंग्रेजों का दौर था ना वो इधर रूल कर रहे थे तो उस वक़्त से ना वहाँ ना मंडियाँ बनी हुई हैं और मंडियाँ जो है ना वो इधर जितना आपका ये व्यापारी वगैरह ले जाते ना ये शहरों वाले वो जो आम जमींदार है उसको नहीं फायदा होता वो

सर इसकी असल वजह मेरे ख्याल से तो यही है कि इसकी बैड गवर्नर्स है जो कि पाकिस्तान किसान को इस तरह के माहौल नहीं दे पा रहा इस तरह की पैदावार आई एम एफ जिससे हम मतलब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिससे पाकिस्तान हर छः माह बाद हर साल बाद कर्जा लेता है और बहुत ज़्यादा मकरूज़ हैं हम आई एम एफ़ के वो आई एम एफ इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं बल्कि रिक्वेस्ट क्या तरला कर रहा है कि भाई इंडिया को कह रहा है कि आप वीट की एक्सपोर्ट को बंद ना करें अगर इंडिया ने वीट की एक्सपोर्ट को बंद कर दिया तो दुनिया में बहरान आ सकता है गंदम कहते हवाले से गेहूं के हवाले से वीट के हवाले से तो यह खबर सुनकर आपको कैसा लगता है ये खबर सुनकर मुझे एक तो अफसोस होता है कि पाकिस्तान एक जरिए मुल्क है इसको भी अपनी वीट की एक्सपोर्ट अच्छी करनी चाहिए और इंडिया हमसे कितना आगे निकल गया है कि उससे हमें आई एम एफ धमकियाँ दे रहा है कि आप ऐसा ना करें ऐसा करें और इंडिया को वो तरले कर रहा है मिनते कर रहा है वो इस लिहाज से इतना अच्छा होता जा रहा है और हम हमें अपने आप को देखना चाहिए पाकिस्तान को देखना चाहिए कि पाकिस्तान कहाँ पे है इस टाइम हम कहाँ पे खड़े हैं बड़ी अजीब बात है कि एक तरफ तो पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी है इमरान खान साहब ने सर अपनी हुकूमत के खो जाने के बाद जो है वो पाकिस्तान के ऊपर एक इजलगार कर दिया है एक हमला कर दिया है और वो कहते हैं कि मैं अगर वज़ी अजम नहीं हूँ तो इस हुकूमत को इलेक्शन करवाने चाहिए ताकि मैं दोबारा वज़ी अजम बन सकूं और उधर आई एम एफ आई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान जब तक जो अपनी आ, आ, जो स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट जो माजी में हुए और अभी जो बात हुई अभी क़तर में दोहा में जहाँ पे भी पाकिस्तान के फा, फाइनेंस मिनिस्टर गए हुए थे तो वो टॉक्स फेल हो गई हैं और वो टॉक्स इसलिए फेल हो गई हैं कि वो जो छह बिलियन डॉलर का प्रोग्राम था जिसके ऊपर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जब वॉशिंगटन गए और आई एम एफ से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा हम इसको आठ अरब डॉलर तक करने को तैयार हैं लेकिन वो जारी बात है कि वो ये कह रहे हैं कि आप ये जो आ, आपने सब्सिडी दी हुई है आ, अपने लोगों को पेट्रोल के ऊपर डीजल के ऊपर ये सब्सिडी वापस लें अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये सब्सिडी हुकूमत वापस लेती है तो हुकूमत अनपॉपुलर हो जाती है और इसीलिए पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है इसने कहा कि इमरान खान साहब जब हुकूमत छोड़ के गए तो ये लैंड माइन बिछा के गए थे ये लैंड माइन इसलिए बिछा के गए थे कि इनको पता था मैं तो जा रहा हूं तो अब इनको पेट्रोल मैं सस्ता कर जाता हूं जब ये आएंगे पेट्रोल महंगा करेंगे और मैं कहूंगा देखो न कमी मैंने पेट्रोल सस्ता किया इन्होंने दस दस रुपए पेट्रोल सस्ता कर दिया था इमरान खान साहब ने जाते हुए सो अभी ये जो आईएमएफ और पाकिस्तान के जो स्टाफ लेवल का जो एग्रीमेंट था जिसका सेवंथ रिव्यू चल रहा है और छह बिलियन डॉलर की फैसिलिटी है और इसको उन्होंने इनहेंस करना था अगर ये हो जाता है तो हमें बात है अच्छे भले पैसे मिल जाएंगे और उसके बाद हम एशियन डेवलपमेंट बैंक से जाके पैसे ले सकते हैं अच्छा इस वक्त जो पाकिस्तान के फाइनेंस फॉरेन मिनिस्टर है बिलावल भुट्टो जरदारी उन्होंने ये कहा है कि ये जो आईएमएफ के साथ पाकिस्तान की डील है ये तो आउटडेटेड है क्योंकि इनका और हमारा मुआदा दो हजार ट्वेंटी में हुआ था अब इस मुहदे को तीन साल हो गए हैं और इस वक्त जो ग्राउंड रियालिटी बदल गई है इन्फ्लेशन ज्यादा दुनिया में हो गई है पूरी दुनिया में जिस तरह एक कोरोना का इम्पैक्ट जो बहुत ज्यादा हुआ है एक प्री कोविड सिचुएशन है एक पोस्ट कोविड सिचुएशन है तो खुदारा इसको ना करें और साथ में यूक्रेन की क्राइसिस को देख लें आप वहां पर क्या मॉडल आया है